Good morning guys, this is Jay and you are watching my channel Jay Tech. Guys, please subscribe my channel and hit the bell icon for the latest update. Guys, आज के इस वीडियो में मैं गलगुटिया कॉलेज के ऊपर, ये जो वीडियो है पूरा गलगुटिया कॉलेज के ऊपर है. लास्ट वीडियोस मैंने जो बनाई थी बहुत सारे कॉलेज में कवर किए थे, तो बहुत सारे लोगों के सेम डाउट्स थे कि वो गलगुटिया कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं. तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वो ऑल्दो आपको कभी कहीं अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है ना. और इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता कि किसी भी यूट्यूबर ने प्रोवाइड किया हुआ है यूट्यूब की वीडियो में या फिर इसके बारे में कोई है. तो गाइस चैनल को अभी से कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक, जिससे आने वाले टाइम पे जितने भी नोटिफिकेशन आपको है, जो मैं अपने चैनल पे तरह तरह की चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ कॉलेज रिगार्डिंग प्लेसमेंट रिगार्डिंग, तो आपको मिलता रहे. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं. यार हम बात करने जा रहे हैं गलगुटिया कॉलेज की. तो ये आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ये उसका कैंपस है, ठीक है ना. ये गलगुटिया कॉलेज एंड गलगुटिया यूनिवर्सिटी, ठीक है ना. इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए, ठीक है ना. ये कैसे हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है फ्रेंड्स, तो मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा. इनका फी, इनका प्लेसमेंट एंड इनकी रैंकिंग कहाँ पे स्टैंड करती है, इसके देखने के बाद मैं दावा करता हूँ कि आपके जितने भी डाउट्स आ रहे होंगे आपके ब्रेन में वो क्लियर हो जाएंगे. और तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं. पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डिफरेंस क्या है. तो देखिए दोनों जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों ग्रेटर नोएडा रीजन में ही है, ठीक है ना. कॉलेज नॉलेज पार्क में स्टैब्लिश है, काफ़ी पुराना कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है कॉलेज. और जो यूनिवर्सिटी है वो थोड़ी नई है, मतलब यूनिवर्सिटी 2010 के आसपास की बनी हुई है, थोड़ी उससे पहले बनी है, मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं पता. और नहीं तो मैं आपको एग्जैक्ट बताता, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन यही मान के चलिए कि 2008 या 10 के आसपास की बनी हुई है. यार चलिए इसमें अब डिफरेंस क्या है वो सुन लेते हैं. सो यार डिफरेंस प्लेसमेंट रिकॉर्ड से स्टार्ट करते हैं. या प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स में डिफरेंस है, नहीं डिफरेंस उनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स में नहीं है. जितनी भी कंपनीज कॉलेज के लिए आती हैं सेम कंपनीज यूनिवर्सिटी में भेज करती हैं. अब यार डिफरेंस यहाँ पे यूनिवर्सिटी में है कि यूनिवर्सिटी में जो कंप्यूटर साइंस की सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. 1500 to 2000 कंप्यूटर साइंस की सीट्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, जो गलगुटिया यूनिवर्सिटी है, मतलब आप सोच सकते हैं ह्यूज डिफरेंस. और कॉलेज में जो है वो 120 सीट्स हैं ओनली कंप्यूटर साइंस का. तो यार यहाँ पे अब इनकी फ़ी की बात करें तो कॉलेज की जो फ़ी है वो 1,33,000 के आसपास की है, और जो यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो 1,60,000 है. अब यार यहाँ पे जो दूसरा डिफरेंस है वो कॉलेज आपका AICTE से एफिलिएटेड है, और वो अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, अंतर्गत आता है. और जो अपना यूनिवर्सिटी है वो UGC से है, ठीक है ना, उसको किसी एफिलिएशन की ज़रूरत नहीं होती, तो खुद से UGC से है, तो उसको डिग्री में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है ना. ऑल्दो एक ह्यूज डिफरेंस होता है UGC में और AICTE की डिग्री में, तो उसके लिए मैं फर्दर एक और वीडियो बना दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए. और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप जाएंगे कोरा पे तो अवेलेबल होगा, तो आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं कि वो बेसिक डिफरेंस क्या है. यार चलिए फ्रेंड कॉलेज की रैंकिंग की बात करते हैं. तो रैंकिंग की बात करें तो 2010 से पहले ये कॉलेज की रैंकिंग इतनी अच्छी थी कि ये टॉप 40 में काउंट होती थी. नॉर्थ कैंपस के नाम पे गलगुटिया बहुत फेमस हुआ करता था, और दो UPTU में भी इसकी रैंक उस टाइम पे फर्स्ट सेकंड में आती थी, जब ये JSS से भी अच्छी इसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड वगैरह थे. लेकिन 2010 के बाद हुआ ये कि ऑल्दो जब इसने अपना यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कर लिया, तो उसका जो फोकस है वो अपने कॉलेज से थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, और ऑल्दो इसकी रैंकिंग कम हो गई. मुझे एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, मैं बिल्कुल एलोबरेट नहीं करना चाहूँगा एग्जैक्ट. तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहे हैं वो ध्रुव गलगुटिया हैं, जो कि चेयरमैन है, और साथ में इनके जो फादर हैं. तो ऑल्दो 2010 के बाद के आसपास के बाद इनके फादर ने जितनी भी कमांड थी वो ध्रुव गलगुटिया को दे दी, तो उनके ही देखरेख में ये कॉलेज चल रहा है. तो चलिए फ्रेंड्स कुछ और डिस्कस करते हैं कॉलेज के लिए. यार मैं अपने वीडियो में हर बार कहता हूँ कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स में शेयर करता हूँ, लेकिन देखिए मैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड ऐसे शेयर नहीं कर सकता. ऑल्दो लोग कहते हैं कि PDF अपलोड कर दो, किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड आप PDF के फॉर्म में किसी भी यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये गाइडलाइंस के खिलाफ है. तो मैंने कुछ शेयर किया कि कुछ आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड शेयर कर दूँ. ऑल्दो मेरे पास 10 ईयर्स के पूरे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं, जितने नंबर स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, कौन से स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी रोल नंबर के साथ, तो मैं सारा डाटा तो आपको सो नहीं कर सकता, कुछ हाइलाइटेड डाटा जो आपके सामने है. तो यार कंपनीज कॉलेज में बहुत सारा, कॉलेज की बात करूँ तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है. ऑल्दो कॉलेज सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ साथ कोर पे भी पूरा ध्यान देता है. नो डाउट CSE की प्लेसमेंट सबसे बेस्ट है, ठीक है ना. जो हाईएस्ट पैकेज CSE का गया था वो इंटरनेशनल पैकेज 50 लाख का था, ठीक है. तो और ये अमेरिका का पैकेज आया था. और यार यहाँ पे देखिए कंपनीज की लिस्ट आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा इन्फोसिस,
से स्टार्ट करके आईबीएम, टेक महिंद्रा, रिक्सन, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें नंबर बल्क में स्टूडेंट्स यहां से गए हुए हैं। तो नो डाउट प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है यहां का, ठीक है ना। 2015 2016 का आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। फिर बात करते हैं गलगोटिया की फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है ना, एज इट इज। तो यार बात करते हैं इसके ट्यूशन फी की, तो ये 1,09,603 है, ठीक है ना। बीटेक के लिए, एमबीए के लिए भी सेम है और एमसीए के लिए भी सेम है। ओवरऑल बीटेक करें या एमबीए करें या एमसीए करें, यहाँ से 1,33,103 रुपए का आपको पर ईयर पड़ता है। और ये जो यूनिवर्सिटी फी आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये यूनिवर्सिटी फी जो है, आप जो ये कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम फी होता है, तो इस बार से यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि इसे ऑनलाइन कर दिया है। तो हो सके फर्स्ट ईयर में आपको ये देना पड़े, बाद में ये कॉलेज अपने पास से हटा देगा और इसे आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा। ऑल द सिक्योरिटी मनी के ऊपर डाउट है, ये सिक्योरिटी मनी लोगों को लगता होगा ये 15,000 एक सिक्योरिटी मनी है जो कि एक रिफंडेबल अमाउंट है। ये बस आपको फर्स्ट ईयर में देना होता है, इसके बाद आपको ये रिफंड हो जाता है। तो देखा जाए कॉलेज की फी फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, क्योंकि आपको सिक्योरिटी मनी और ये यूनिवर्सिटी फी दोनों एड ऑन करके 1,33,000 का पड़ता है। उसके बाद ये थोड़ा, ठीक है ना, सेकेंड ईयर से आपको काफ़ी रिलैक्स होगा इसमें, ये करीब 1,10,000 के आसपास का पड़ेगा। अब यार लोग हॉस्टल की बात करते हैं, तो यार जो गर्ल्स हॉस्टल की फ़ी है वो 1,40,000 है, तो एसी वाली है, एंड नॉन एसी की 1,15,000, एंड बॉयज़ हॉस्टल की फ़ी भी बहुत महंगी है इसमें, 95,000 थ्री सीटर की है और फोर सीटर की 85,000, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। और जो यार आपकी 20,000 काउंसलिंग फ़ी है वो आपके कॉलेज में सबमिट हो जाती है, और 12,000 एससी एसटी के लिए अगर आपको ये कॉलेज अलॉट होता है तो ये आपके ऑलरेडी सबमिट वहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद जो रिमेनिंग जो है वो आपको ये गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के नाम से पेवल एट न्यू दिल्ली के नाम से डीडी बना के देना होता है। तो गाइस आशा करता हूँ आपने बेसिक डिफरेंस को समझ। तो गाइस एक बात और, मेरा एक सब्सक्रिप्शन प्लान भी है जिसे मैं जेटेक सब्सक्रिप्शन के नाम से बनाया है मैंने, ऑल्दो लास्ट ईयर भी था। तो यार ये प्लान ये है कि आप जो जितने भी डाउट्स आपके आते हैं, बहुत सारे डाउट्स मैं रेगुलरली देखता हूँ कि स्टूडेंट्स के आते हैं ड्यूरिंग काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और जो यूपीएसएससी काउंसलिंग है वो कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू जोसा काउंसलिंग। तो यार जो भी आपके डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड या फिर चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम से रिलेटेड, ये चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है यार। बहुत अच्छी रैंक लाना ही बहुत अच्छी बात नहीं होती अगर एक अच्छे कॉलेज को लेने में, काउंसलिंग एक मेजर पार्ट प्ले करता है, ऑल दो 60% काम काउंसलिंग पे ही डिपेंड करता है। तो यार अगर आपने चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम को प्रॉपर फॉलो किया है, उसके गाइडेंस को फॉलो किया है, तो आपको एक डेफिनेटली एक टॉप का कॉलेज विद टॉप का ब्रांच मिल सकता है। ऑल दो आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस पे जाएं तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स होंगे कि मुझे JSS अलॉट हो गया, ये हो गया। तो यार बस उन्होंने कुछ नहीं किया, बस मेरे गाइडेंस को फॉलो किया। तो यार इस बार भी मैंने ये बहुत कम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रखा है 200, आप इसको ले सकते हैं। और करना कुछ नहीं है, आपको एक जो व्हाट्सअप नंबर मेरा मिल जाएगा उसमें प्रोवाइड किया हुआ है डिटेल, आपको बस 200 का पेमेंट करना है। उसके बाद आप डायरेक्टली फ़ोन कॉल पे जितने भी डाउट्स हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी चॉइस फिलिंग का ऑर्डर भी आप मुझसे जान सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है तो मैं भी वो डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। ऑल्दो ये तब तक वैलिड है जब तक आपकी सीट अलॉट नहीं हो जाती और आप एडमिशन ले लेते, ये नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है उसी सेम टाइम पे वैलिड। तो थैंक यू गाइस।